जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखो, हमारे पास मारुति के दो प्रोडक्ट खड़े हुए हैं, दोनों ही नेक्स्ट आके हैं। इधर है भाई फ्रॉन्क्स और इधर है भाई बलेनो। अगर देखो बलेनो की बात करें तो भाई टॉप एंड वेरिएंट है भाई सीएनजी के अंदर, मतलब जीटा वेरिएंट। और अगर इस तरफ बात करें तो फ्रॉन्क्स का डेल्टा वेरिएंट सीएनजी के अंदर, ये भी टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों सीएनजी की बात की जाए तो। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं हम इन दोनों वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा। देखो दोनों की कीमत में अगर बात करें ना, मात्र 1000 रुपए का अंतर है। 1000 रुपए कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। जो लोग बलेनो ले रहे हैं वो जरूर से कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉन्क्स की तरफ। क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या बदलाव निकलेगा, क्या अंदर क्या बाहर, सब कुछ हम दिखाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो देखो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो करेंगे शुरू, लेकिन शुरू करेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। तो सबसे पहले चाबियां देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस तरफ आ जाते हैं फ्रॉन्क्स की तरफ। फ्रॉन्क्स में अगर बात करें तो चाबी भाई देखो इस तरह की नॉर्मल मिलने वाली है। दो बटन मिल जाते हैं और पीछे सुजुकी का लोगो, मारुति की जारी पहचानी चाबी मिलती है। इसकी चाबी में बदलाव नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर अगर देखें बलेनो के जीटा वेरियंट की चाबी, तो उसमें दोनों रिमोट की मिलती है। इस तरीके की दो बटन मिल जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए और बहुत शानदार सी प्रीमियम की मिल जाती है। इसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलता है। तो इस तरह की दोस्तों दोनों की चाबी हो जाती है। देखो अब सबसे बड़ा अंतर देखो चाबी के अंदर आ गया है, लेकिन साइज में भी आपको यहां से अंतर जरूर से दिख रहा होगा। आप देखो फ्रॉन्क्स थोड़ी सी बड़ी दिख रही है और बलेनो जो है थोड़ी सी गाड़ी छोटी दिख रही है इसके सामने। तो इस तरीके से साइज में भी अंतर रहेगा। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों दोनों के प्राइजिंग की। तो वहीं पर अगर देखा जाए प्राइजिंग में कितना अंतर मिलता है, देखो बलेनो का प्राइज है भाई 9,33,000 रुपए और फ्रॉन्क्स के डेल्टा वेरियंट की बात करें तो इसका प्राइज है भाई 9,32,000 रुपए। मतलब 1,000 रुपए सस्ती है, बड़ी गाड़ी 1,000 रुपए सस्ती है और छोटी वाली 1,000 रुपए महंगी है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया भाई इस तरीके के इसके प्राइसिंग। लेकिन अगर इन पर डिस्काउंट की बात करें तो देखो फ्रॉन्क्स के ऊपर तो इस वक्त तो आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं। ठीक है, इस वक्त सिर्फ आपको स्क्रैप बोनस और एक्सचेंज बोनस जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो कोई डिस्काउंट नहीं है, उसे मैं काउंट भी नहीं करता। लेकिन अगर वहीं पर बलेनो की बात करें तो बलेनो के ऊपर इस वक्त जरूर से डिस्काउंट मिलेगा भाई। 25,000 का कैश डिस्काउंट मिल जाता है और 2,100 रुपए का रूरल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास का जो है आपको सौदा, मतलब छूट वगैरह दिख जाएगी भाई डिस्काउंट में। अब शुरू करते हैं दोस्तों फ्रॉन्क से। देखो फ्रॉन्क से हम बात कर रहे थे, एक्स शोरूम तो मैंने बता दिया 9,32,000। लेकिन अगर इसमें इंजन की बात करूं तो 1.2 लीटर का डुअल जेड डुअल बीबीटी फोर सिलेंडर इंजन मिल जाता है। 76 BHP की पावर और 98 Nm का टॉर्क मिलता है। और माइलेज की बात करूँ सीएनजी के अंदर तो ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर/किलोग्राम का माइलेज सीएनजी में देखने के लिए मिलता है इसके 55 लीटर के सीएनजी सिलेंडर से। अगर बात करें बलेनो की तो भाई ये जीटा वेरियंट कीमत मैंने बता दी 9,33,000, 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर के सीरीज का इंजन, 76 BHP की पावर और 98 Nm का टॉर्क मिलता है। और अगर माइलेज की बात करूं तो 30 किलोमीटर/किलोग्राम का माइलेज 55 लीटर के सीएनजी सिलेंडर से मिल जाता है। तो ये तो है भाई दोनों के माइलेज वगैरह और इंजन वगैरह इस तरीके से हो जाते हैं। अब देखो डिस्काउंट वगैरह तो मैंने बता दिया, सारी चीजें हो गई। अब बात करेंगे देखो दोनों में मेन मेन अंतर क्या मिलेगा, उस सब की बात और कर लेते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं, मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगा आपको। देखो यहाँ पर फ्रॉन्क्स है और इधर बलेनो है, दोनों का सबसे बड़ा अंतर है दोस्तों इसके ग्राउंड क्लियरेंस में। आपको फ्रॉन्क्स के अंदर 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और बलेनो के अंदर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। उसके बाद देखो दोनों की आगे लुकिंग में देखो फ्रेशनेस थोड़ी सी ज़्यादा फ्रॉन्क्स के अंदर दिखाई देती है। उसके बाद दोनों का बम्पर और बॉडी साइज देखो, डेफिनेटली जो है ना फ्रॉन्क्स थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखेगी आपको कंपेरिजन टू बलेनो। इस तरीके से आपको जो सामने का ये पोस्चर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं बलेनो से स्टार्ट करते हैं, तो पास में आ जाते हैं। सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देखो, यहाँ पर देखो प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। सामने की ग्रिल की बात करूँ तो मैट फिनिश में मिल जाती है, क्रोम का अच्छा खासा यूज देखने के लिए मिल जाता है, बीच में सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये है सब फ्रंट। नीचे की तरफ रेडिएटर ग्रिल देख लो, फॉगलाइट इस वेरियंट में भी नहीं मिलती भाई, टॉप एंड है फिर भी नहीं फॉगलाइट मिल रही। यहाँ पर देखें फ्रॉन्क्स के अंदर तो ये देखो लुक्स इस तरीके के, इंडिकेटर तो ब्लिंक होते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद ग्रिल देख लो सामने की, मैट फिनिश में ही मिलती है, सुजुकी का लोगो, क्रोम का टच मिल जाता है, प्रोजेक्टर हेडलाइट इसके अंदर भी मिलती है, फॉगलाइट इसके अंदर नहीं मिलती है। तो सेम ही है फॉगलाइट के मामले में। तो बाकी साइड प्रोफाइल से देखो इस तरीके के लुक्स देखने के लिए मिलते हैं। अब एक चीज यहां से क्लियर दिख रही होगी, एलॉय व्हील और स्टील व्हील का अंतर, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले देखो यहां पर आ जाते हैं और यहां पर व्हील आर्चेस देखिए चौड़े चौड़े से। अब फ्रॉन्क्स की बात करें, गुडियर का तो टायर मिल रहा है और टायर साइज
95-60-816 की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है, स्टील मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और वहीं बलेनो की बात करें, अपोलो का टायर है और एलॉय व्हील मिल रहे हैं भाई सिल्वर फिनिश के साथ में, 195-55R16 की प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल जाती है भाई इस तरीके से। ये है दोस्तों दोनों के टायर साइज का अंतर। देखो 16 इंची इसमें मिल रहा है, 16 इंची इसमें मिल रहा है, तो टायर साइज में तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन ORBM देख लो, सेम टू सेम डिजाइन के आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं। दोनों के ऊपर टर्न इंडिकेटर भी उसी पोजीशन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब देखो और थोड़ा सा अंतर आगे चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरफ आ जाओ, यहाँ पर डोर हैंडल इस तरीके से मिलेंगे और यहाँ पर क्रोम आपको चढ़ा हुआ मिल जाएगा, साथ में डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि ये है टॉप एंड वेरियंट। ठीक है, यहाँ पर ये शोल्डर लाइन देखो पूरी क्रोम में मिल जाती है, लेकिन इसके पास सादा सिंपल मिलती है। यहाँ पर ये ब्लैक टेप डाउट मिल जाता है, बी पिलर रूफ रेल्स मिल जाती हैं, पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना भी दिख जाता है। लेकिन अगर बलेनो की बात करें तो यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक में मिलता है भाई बी पिलर, ठीक है, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, रूफ रेल्स भी नहीं मिलती हैं, इस तरीके का सेटअप मिलता है। अब देखो थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाए तो ये है जी बलेनो का पोस्चर और ये है फ्रॉन्स का, इस तरीके से देखो दोनों के इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन लुक्स आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो थोड़ा सा पास जाते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ डिफॉगर रियर वाइपर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, बलेनो का यहाँ पर बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, इस तरीके से सेटअप मिलेगा। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है भाई, टॉप एंड वेरिएंट है इसलिए। और अगर बलेनो की बात करें, फ्रॉन्स की बात करेंगे तो अभी उधर चल के दिखाई देंगे, लेकिन सेफ्टी बाय 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर साथ में रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और इधर आ जाए तो देखो इस तरफ देखो भाई इस तरीके से पीछे का सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर ये पूरी कनेक्टेड टेल लैंप देखने के लिए मिलती है। और देखो पास आते हैं तो यहाँ फ्रॉन्स का लोगो, सुजुकी का लोगो, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, लेकिन रियर वाइपर नहीं मिलता है, कैमरा भी नहीं मिलता है, पीछे बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और 2 रिफ्लेक्टर सेफ्टी वाइज दिख जाते हैं। नीचे स्किड प्लेट सिल्वर टोन में थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी जरूर से दिखाई देगी। ठीक है, ये है दोस्तों दोनों की रियर प्रोफाइल। ठीक है, देखने में लुकिंग में तो आपको मैंने अब दिखा दी किस तरीके की दिख रही है। अब दोनों के बूट ओपन कर लेते हैं, तो सबसे पहले फ्रॉन्स का बूट उठा देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर, और अगर इसका उठाते हैं तो अरे क्या हुआ, लॉक। दोस्तों गाड़ी को पहले अनलॉक करना पड़ता है तब होगी, गाड़ी लॉक हो चुकी है, इसे कर लेते हैं अनलॉक। एक मिनट रुको, अब करते हैं दोस्तों अनलॉक और ये देखो गाड़ी उठ चुक, मतलब बूट उठ गया टेल गेट। अब देखो जी भाई साहब बिल्कुल भी अंतर नहीं, पीछे से सेम टू सेम डिक्टो एक ही लग रही है बूट स्पेस में। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों के अंदर पार्सल ट्रे मिल रही है और सेम पोजीशन पर और सेम प्रोफाइल में आपको जो है वो रखा हुआ दिखेगा CNG सिलेंडर, साथ में जो स्पेयर व्हील है वो भी बिल्कुल एक जैसा ही रखा हुआ दिखेगा, कोई अंतर नहीं। पीछे वाली सीट इविन देखो तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3-point सीट बेल्ट आपको दिखेगी। ये देखो जी ये बलेनो में है 3-point सीट बेल्ट और यहाँ पर ये पार्सल ट्रे मिल जाती है, ये स्पेयर व्हील मिल जाता है, इसे एक्सेस करना बहुत ईजी है। और पीछे 55 लीटर का CNG सिलेंडर दे, देखो CNG सिलेंडर का फ्रेम चेसिस से डायरेक्ट माउंट कर रखा है। और अगर इधर आ जाते हैं इसके फ्रॉन्स की तरफ तो ये देखो यहाँ पर ये पार्सल ट्रे, CNG सिलेंडर 55 लीटर का, फ्रेम को जो है चेसी से माउंट कर रखा है और स्पेयर व्हील यहीं पर सेम साइज का स्पेयर व्हील मिल रहा है दोनों गाड़ियों के अंदर। ये है जी कुछ इस तरीके का प्रोफाइल, ठीक ठीक लग रहा है, डिसेंट लग रहा है काफ़ी, मतलब ये है कि दोनों का ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, ज़्यादा बदलाव है नहीं। देखो प्राइस रेंज भी आपको सेम ही रखी गई है और इस तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट एक ही उसमें रखा गया है, पोजीशन वगैरह जो भी कहें आप। ठीक है, तो इस तरीके का सेटअप है। अब इन दोनों का जो टेल गेट है इसे करते थे बंद, और बंद करने के बाद फिर दिखाता हूँ अंदर की तरफ। शुरुआत करूँगा दोस्तों जो है बलेनो के ड्राइवर कैबिन से। अब चलते हैं दोस्तों सबसे पहले बलेनो के अंदर और चल के भाई डोर ओपन करते हैं, डोर का सेंसिंग का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिम से शुरुआत करते हैं, ये देखो नेवी ब्लू कलर की ट्रिम्स मिल जाती हैं, लेदर में मिल जाती हैं, ये सब कुछ प्लास्टिक में मिलता है। डोर हैंडल क्रोम में, चारों पावर विंडो मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM, ये देखो जी इस तरीके से। नीचे बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट और एक स्पीकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये है डोर का सेटअप और इस तरीके से यहाँ पर एक ट्विटर का सेटअप और मिल जाता है भाई, इसमें 2 ट्विटर भी मिलते हैं। इस तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, नीचे फैब्रिक कुशनिंग देखने के लिए मिलती है, हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, और नीचे की तरफ देखें अंदर की तरफ तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल। उसके बाद देखो यहाँ पर बोनट ओपन करना है, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करनी है, ये एक स्पेस छोटा सा यहाँ पर दिख जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और यहाँ पर CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए और हेडलाइट एडजस्टेबल। AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा जी। अब देखो अंदर की तरफ बैठेंगे और अंदर की तरफ बैठ के दिखाएंगे और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक बार फ्रॉन्स के जो डोर ट्रिम थे ना उन्हें और दिखा देता हूं। यहां पे थोड़ा थोड़ा करके बदलाव दिखाऊंगा। ये देखो जी यहां पर
यहाँ पर आप देखो डोर पे सबसे पहले इस तरीके से देखो फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है चॉकलेट कलर में, यहाँ चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM, और यहाँ पर डोर हैंडल ऊपर इस तरीके से। डोर हैंडल में क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा, बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ ऐसे ही ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं, सब कुछ एक जैसा ही मिल रहा है। और उसके बाद नीचे मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिख जाता है, एक स्पीकर यहाँ दिख जाता है, यहाँ पर जो ट्विटर था वो हट चुका है क्योंकि इसके अंदर ट्विटर नहीं मिलता। यहाँ दोनों सीटों में एडजस्टेबल एड्रेस, फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा भाई इस वेरिएंट के अंदर। और नीचे देखो तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से आपको बोनट ओपन करना, फ्यूल लिड ओपन करनी है, एक स्पेस, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल और फ्यूल CNG फ्यूल में चेंज करने के लिए, और यहाँ पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलता है। इतना अंतर दोस्तों यहाँ पर फ्रंट फ्रंट में मिल गया। अब देखो बलेनो के कैबिन में चलेंगे और वहाँ चल गया अंदर बैठ के बात करेंगे और अंदर क्या क्या मेन बदलाव है, थोड़ा सा आप ध्यान भी रखना कि मैंने क्या क्या बताया है बदलाव, ठीक है। सबसे पहले अंदर आ जाते हैं, सीट को कर लेते हैं पीछे और अब बैठते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। यहाँ पे देखो टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता है, नीचे CNG गेज और यहाँ फ्यूल गेज, बीच में बड़ी सी MID मिल जाती है। यहाँ से इसे टॉगल करना है इस तरीके से, ये देखो जी यहाँ पर, और इस तरफ से देखें तो यहाँ पर ट्रिप चेंज हो जाती है A और B। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक, इधर हेडलाइट का स्टॉक, स्टेयरिंग की बात करें तो ये देखो टेलीफोनिक कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, 3-स्पोक स्टोरिंग व्हील, और देखो प्लास्टिक में मिलेगी, कोई भी लेदर फिनिश आपको देखने के लिए नहीं मिलती। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है। इस इवेंट का डिजाइन देख लो इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 तरह के पैटर्न देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, यहाँ पर 12V का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर देखो इस तरीके से ऑटो AC मिल गया, और यहाँ पर टाइप ए पोर्ट, एक स्पेस, और यहाँ पर 2 कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर चाबी रख रखी है हमने इस तरीके से, और चाबी को रखा छोड़ देते हैं। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में, और लेदर रैप्ड मिलता है दोस्तों। शार्पनर लग रहा है, काफ़ी अच्छा है, हालांकि थोड़ा छोटा है, साइज कम है, मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। इस तरीके का ये सेटअप मिलता है। इस तरफ आ जाए तो ग्लोब बॉक्स देख लो, डिसेंट से आपको ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ट्रिम्स वगैरह की बात करें सब कुछ सही मिल जाता है। ऊपर की तरफ देख लो ये ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है सनसेट के अंदर पैसेंजर साइड में, यहाँ पर ये लाइट हेलोजन वाली माइक मिल जाता है, और इधर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेगा। इस तरफ देखें सनसेट मिल जाता है नॉर्मल सा। तो ये है जी सेटअप कुछ इस तरीके का। और अगर देखो अब सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी में देखो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट, सभी चीज़ें जो है आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेंगी, और उसके अंदर जो है एयरबैग कम हो जाएंगे 4, वहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है इस तरीके का सेटअप इसके फ्रंट कैबिन का। सेफ्टी भी भरपूर मिल जाती है आपको इस वेरियंट के अंदर। अब देखो बाहर निकलेंगे और बात करेंगे भाई फ्रॉन्क्स के फ्रंट में ड्राइवर कैबिन में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा ये वीडियो जो है ना मेहनत मांगती है, इसमें जो है इधर उधर बहुत भागना पड़ता है। चलो कोई नहीं, काम है हमारा तो दोस्तों ये। चलो अंदर बैठ जाते हैं सबसे पहले और बात करेंगे दोस्तों इसमें क्या मिलेगा। इग्निशन को करते हैं ऑन, हो जा भाई, ये लो हो गया जी। इस तरीके से देखो सबसे पहले अब यहाँ पर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। ये देखो सामने ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और CNG गेज यहाँ मिलेगा, पेट्रोल, ये CNG गेज और पेट्रोल गेज दोनों AC में मिल जाते हैं MID के अंदर। इस तरीके से ये CNG ऊपर तक भरी हुई दिख रही होगी, ये है सेटअप। और बाकी ट्रिप वगैरह जो चेंज करनी है या मोड को जो टॉगल करना है वो वहीं से होता है। स्टेयरिंग देख लो इस तरीके से, नीचे फ्लैट बॉटम, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, टेलीफोनिक कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, और यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। इस तरीके का ये सेटअप इसमें मिलेगा। यहाँ वाइपर का स्ट्रोक और इधर हेडलाइट का स्ट्रोक मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देखें तो सेम वही 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, साथ में 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से, और हेजार्ड बटन आपको दिख रहा होगा, कोई भी बदलाव नहीं, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही। यहाँ फेक कार्बन फाइबर की फिनिश, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। सेम स्पेस आपको यहाँ पर, 2 कप होल्डर इस तरीके से, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। देखो इंजन पावर सेम है, यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके अंदर आर्मरेस्ट मिल रहा था स्लाइडिंग वाला, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये एक थोड़ा सा अंतर है। ग्लोब बॉक्स डिसेंट और सेम साइज का, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 तरह के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिलिक सिल्वर फिनिश, चॉकलेट कलर, रोज गोल्ड कलर और ब्लैक कलर, इस तरीके से 4 मिल जाते हैं। अब थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो ग्रैब हैंडल और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ भी सेम सेटअप आपको माइक वगैरह का देखने के लिए मिल जाएगा, कोई बदलाव है ही नहीं। और
ORBM की बात, IRBM की बात करें, मैनुअल डिमिंग, और इस तरफ एक टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं है। तो ये है सेटअप इस तरीके का। अब देखो इसमें सेफ्टी की बात करें तो भाई दो एयरबैग ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट सब कुछ सेम टू सेम मिलेगा। बस जो एयरबैग हैं वो इसमें कम हो जाते हैं, इसके अंदर दो मिलते हैं, उसके अंदर छः मिलते हैं टॉप एंड वेरियंट में। इतना अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है दोस्तों इसके मेन फ्रंट ड्राइवर केबिन के अंतर, जो जो था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। वैसे ज़्यादा कुछ अंतर आपको देखने के लिए बिना नहीं, बाकी जो जितना भी अंतर है ना सब इनके बॉडी साइज़ वगैरह में और देखो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह में वो ज़रूर से देखने के लिए मिल जाता है। माइलेज में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है और बाकी की जो और चीज़ें हैं उनमें भी कोई अंतर नहीं। अब एक काम करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं दोस्तों। इसकी जो रियर सीट है वहाँ से शुरू करेंगे, इस तरफ से। ये देखो जी, यहाँ पर सेम कुशनिंग मिल जाती है आपको, इस तरीके से फैब्रिक कुशनिंग है। यहाँ पर एक पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दो जो है नॉर्मल मिलता है और वहाँ पर क्रोम फिनिश मिल जाती है। पीछे बैठ के देखें तो फायर एक्सटिंग्विशर नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ये ऊपर की तरफ हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा। ये लाइट मिल जाती है बीच में। पीछे से देखो डैशबोर्ड तो बताऊँगा अभी कैसा है। यहाँ पीछे कोई AC वेंट नहीं मिलता है और ये जो है इस तरीके से एक 12V का पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट जरूर मिल जाता है। ये है सेटअप जी कुछ इस तरीके का। सीट बेल्ट यहाँ पर देख लो, और बाकी तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है और 3-point सीट बेल्ट मिल जाती हैं। ये एक अच्छी बात है, बहुत सही चीज़ है दोस्तों। ये पीछे वाली सीट में इतनी सेफ्टी देना काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का दिखाई देगा। ये है सेटअप कुछ डैशबोर्ड का। अब देखो बाहर निकलते हैं, अब बात करेंगे दोस्तों बलेनो के पीछे रियर सीट पर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो इसे करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद और ये देखो डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुशनिंग भाई लेदर में देखने के लिए मिल जाती है, और देखो यहाँ पर इस तरीके से पावर विंडो मिल जाती है। ये क्रोम जरूर मिलेगा, इतना अंतर है। उसके बाद देखो यहाँ पर बॉटल होल्डर और स्पीकर आपको यहाँ भी मिल जाता है, ठीक है। और पीछे की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3-point सीट बेल्ट, 60-40 का ऑप्शन, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेग रूम वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाता है इसके अंदर, ये देखो मेरे पैर के हिसाब से। उसके बाद देखो यहाँ पर पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट, यहाँ पर ये एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है। उसके बाद एक टाइप सी पोर्ट और एक जो है टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। इस तरीके का सेटअप मिलेगा। ये स्लाइडिंग आरबेस तो मैंने दिखाई दिया था। ये है सेटअप दोस्तों पीछे का, इसके मतलब सेकंड रो का। ठीक ठाक स्पेस वगैरह मिल जाता है। ऊपर देख लो, ये ग्रैब हैंडल और यहाँ पर एक लाइट सेम टू सेम मिलेगी एग्जैक्ट, कोई अंतर नहीं, कोई बदलाव नहीं। ये है सेटअप इस तरीके का। पीछे से डैशबोर्ड वगैरह भी शानदार लगता है दोस्तों, इसका भी सेम टू सेम ही है, उसमें तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं। थोड़ा बहुत ट्रिम्स वगैरह का अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप, समझ गए दोस्तों। अब एक काम करते हैं, बाहर निकलते हैं। अब कंपेयर करने के लिए क्या बचा है दोस्तों, कंपेयर करना है भाई इनके बोनट के नीचे क्या मिलता है आपको, तो बोनट को कंपेयर करना भी तो ज़रूरी है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर इसे करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद इग्निशन किया ऑफ और बोनट को यहाँ से किया खटाक करके ओपन, और इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप बोनट को कर देते हैं ओपन। तो जी दोस्तों बोनट ओपन हो गए भाई दोनों गाड़ियों के, और इस तरीके से मैंने खोल के खड़े कर दिए हैं। देखो इंजन वगैरह और पावर वगैरह सेम टू सेम है, मैंने जो आपको बताया था 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर दोनों के अंदर इंजन मिलेगा। दोनों के अंदर 76 BHP की पावर, 98 Nm का टॉर्क मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम सही माइलेज। यहाँ पर देखो वॉशर और यहाँ पर ये एयरटेक वाला पाइप, इन सब चीज़ों को देखना दोस्तों, फिर बताना इंजन में अंतर। ये देखो यहाँ पर सेम टू सेम दोस्तों, कोई भी बदलाव नहीं, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है दोस्तों इंजन में। ये बता दे रहा हूँ मैं आपको, सेम है, चाहे डुअल जेट बोल लो, चाहे आप इसको के सीरीज बोल लो, सेम टू सेम इंजन है, बस नाम बदल दिए और कोई अंतर नहीं है। दोनों के मैंने बोनट खोल रखे हैं, इस तरीके का दो है सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है बोनट के नीचे का, ठीक है सब। तो दोस्तों अब बोनट को बंद करते हैं और फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी दोनों गाड़ियां, ये थी दोस्तों मारुति सुजुकी फ्रॉन्स और ये थी बलेनो। इसका रेट था दोस्तों 9,32,000 और इसका था दोस्तों 9,33,000, मात्र 1,000 का अंतर। अंदर क्या मिला, बाहर क्या मिला, क्या फीचर्स मिले, क्या ग्राउंड क्लियरेंस है, सब कुछ मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। अब आप बताइए आपको गाड़ी कौन सी पसंद है, कौन सी लेनी चाहिए। अगर आप चूज़ कर रहे हो इन दोनों में से तो कौन सा वे, मतलब बलेनो की तरफ जाना चाहेंगे या फ्रॉन्स की तरफ। देखो एक कंक्लूजन मैं भी बता देता हूँ, जो लोग बलेनो देख रहे हैं वो एक बार फ्रॉन्स जरूर ट्राई कर लेना, उन्हें ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, अंदर थोड़ा स्पेस भी ज्यादा मिल जाएगा और फीचर्स भी थोड़े से फ्रेश मिल जाएंगे, आगे के फ्रंट लुक वगैरह भी फ्रेशनेस मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों दोनों गाड़ियों का एक कंपैरिजन वीडियो। और एक गारंटी वारंटी की बात और कर लेते हैं भाई, दोनों गाड़ियों के ऊपर 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी मारुति की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। तो अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।